राम कहूं कि राम देव जी था नहीं, राम कहूं कि लाल जान मिलिया राम देव जी बाबू पल में करी की बात। अजमल जी महाराज की प्रजा साठ सावन की गहरी गहरी बरसात हुई और अजमल जी महाराज की प्रजा सब खेतों की ओर जा रही थी अपना बीज हल जो भी खेती बोने में जो सामान काम में आता है वो सब लेके जा रहे थे। अजमल जी महाराज ने सोचा कि मैं अपनी प्रजा से कहूं कि आज आप खेतों में जाओ और बीज बोकर आओ। जैसे ही अजमल जी महाराज अपने महल से नीचे उतरे, जैसे ही प्रजा ने महाराज को देखा, सब बीज हल फेंक दिया, सब थू थू करता घर की ओर आ गए। अजमल जी महाराज ने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है कि आप मुझे देख के बल्कि खेतों में नहीं जा रहे सब घर की ओर जा रहे हो? तो किसी ने कहा कि महाराज आप बांझड़ा हो, आपका चेहरा देखकर हम खेतों में जाएंगे, हमारी छह महीनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अजमल जी महाराज राम देव जी महाराज को याद करते हैं, द्वारकाधीश को याद करते हैं। गहरी गहरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जाओ, गहरी गहरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जाओ, मन साची साची बताओ, जियो सची सची बात बताओ, जियो घड़ी घड़ी कमारे रूड़ी चेरा राजा खेलो सामनो, जियो रूड़ी चेरा राजा खेलो सामनो, जियो घड़ी घड़ी कम्मा मारा पार पारा जी, बीरा बांझिया कही जो ओ महाराज।
पत्नी कहने लगी कि आप भगवान से विश्वास मत उठाइए, आप इतने उदास क्यों हो। अजमल जी महाराज कहने लगे कि मैं द्वारकाधीश का इतना बड़ा भक्त हूं, 12 साल तक पैदल गया हूं, लेकिन मुझे अभी तक एक संतान नहीं दी, इसलिए मुझे लोगों से पांजड़ा सुनना पड़ रहा। तो अजमल जी महाराज की धर्म पत्नी ने कहा कि आप आधा मेरा विश्वास आधा आपका विश्वास लेकर जाओ, इस पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अजमल जी महाराज द्वारकाधीश पहुंच गए, गिरते पड़ते मंदिर तक पहुंच गए, भगवान कुछ बोले ना। अजमल जी महाराज का रोते रोते बुरा हाल और भगवान से लड़ने लगे। लड़ते पुजारी जी महाराज आ गए और कहने लगे, हाथ जोड़ में अर्ज करूं, हाथ जोड़ में अर्ज करूं, आयो थारे पारने। ये बात किसने कही? अजमल जी महाराज ने द्वारकाधीश से कहते हैं, हाथ जोड़ में अर्ज करूं, आयो थारे पारने। दुनिया माने मोसा बोले भगवान से मिलना है, भगवान तो क्षीर सागर में है। पंडित बोलो सुनो ठाकरा मूरत आगे क्यों लड़ो, पंडित बोलो सुनो ठाकरा मूरत आगे क्यों लड़ो, सांवरिया सु मिलनो है तो सागरिया में कूद पड़ो, मिलनो है तो सागरिया में कूद पड़ो। इन सागर
पाजन मिलिया इन सागर की पाजन मिलिया चार पूजा थार जी दुनिया माने मोसा बोले अजमल जी महाराज खूब भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले नहीं। फिर अजमल जी महाराज को गुस्सा आया और जो बाजरे के लड्डू थे वो जोर से मूर्ति की ओर फेंके, वो भगवान को पत्थर की चोट लगे। ओ द्वारका नाथ घणी अर्ज गुजारू, द्वारका नाथ घणी अर्ज गुजारू, द्वारका नाथ घणी अर्ज गुजारू, द्वारका नाथ घणी अर्ज गुजारू। थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो, माथे ऊपर पट्टी कैया राजा।
गहरी गहरी बिरखा भाया।